पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसके तहत में नाकेबंदी कार्रवाई के दौरान में 92 किलो का गांजा जब्त किया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में सुबह से और लगातार कई दिनों से यहाँ बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान आज सुबह थाना प्रभारी चंदन कुमार और उसके हमराह दो सब इंस्पेक्टर राकेश्वर और फिर दुबे और इनके साथ में सभी स्टाफ वहाँ मौके पर उपस्थित थे सुबह चेकिंग के लिए। चेकिंग के दौरान एक उड़ीसा पासिंग की एक गाड़ी आई, जिसको रोक करके उससे पूछताछ किया गया आरोपी से। तो उड़ीसा पासिंग गाड़ी नंबर है ODZ1158। इस गाड़ी के जो ट्रक का जो चालक था उससे पूछताछ किया गया, जिसने और उसकी चेकिंग की गई। चेकिंग किए जाने पर 92 किलो का गांजा उसके साथ में बरामद किया गया और गाड़ी और गांजे की कुल कीमती लगभग 34 लाख रुपए इससे जब्त कर बरामद किया गया है। संपूर्ण कार्रवाई में इसके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उड़ीसा से गांजा लेकर के उत्तर प्रदेश की ओर लेके जा रहा था, संभवतः बनारस या फिर मिर्जापुर में उसके द्वारा डिलीवरी दिया जाना था। पुलिस की कड़ी नाकेबंदी के फलस्वरूप इसको पकड़ पाने में सफलता प्राप्त की गई। ये हम लोगों की नाकेबंदी कार्रवाई इस क्षेत्र में लगातार जारी रहेगी। बसंतपुर पुलिस के द्वारा लगातार अच्छी कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो स्टाफ होंगे उनको पुरस्कृत किया गया। किन किन कार्रवाई में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत में आरोपी पंकज कुमार गुप्ता, पिता राजेंद्र कुमार गुप्ता, काला पानी बरगढ़ उड़ीसा को गिरफ्तार किया गया है और उसको NDPS के तहत में कार्रवाई की जा रही है।